आई एम धर्मेंद्र कुमार, सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके हेडिंग यहाँ बनाए हुए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको हम लोग ECS से इंडिकेट करते हैं। इसका हिंदी होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसका हम इंग्लिश में डिफिनेशन लिखे हुए हैं कि ए सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम लोग SRP शॉर्ट में लिखते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स SRP, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं E0 Mn प्लस इलेक्ट्रोड M से। अब इसका हिंदी में डिफिनेशन भी हम लिख दिए हैं कि विभिन्न इलेक्ट्रोडों के मानक अवकरण विभव के बढ़ते क्रम में उनके क्रमिक व्यवस्था को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब नोट में हम लिखे हुए हैं कि जो SRP होता है, SRP मतलब कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम लोग लेते हैं रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो भी हम लोग SRP का वैल्यू लेते हैं वो हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में लेते हैं। हम लोग SRP को E0 Mn प्लस इलेक्ट्रोड M से इंडिकेट करते हैं और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग E0 H प्लस H2 Pt से इंडिकेट करते हैं। अब एक नोट में एक सेकेंड नोट है कि फॉर स्पॉन्टेनियस सेल, मतलब कि कोई भी सेल अपने आप तब वर्क करेगा जब उसका E0 सेल मतलब कि EMF ऑफ सेल ग्रेटर देन जीरो होगा। और EMF जो सेल का होगा ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जबकि कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। तो पहला नंबर तो कोई भी सेल स्पॉन्टेनियस तब होगा जबकि उसका EMF ग्रेटर देन जीरो होगा। किसी भी सेल का EMF ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जबकि कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू से ज़्यादा होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक लिया है कॉपर जिंक गैल्वेनिक सेल। कॉपर जिंक गैल्वेनिक सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड आपको एनोड होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड होगा। तो इसमें जब आप इसका और इसका कॉपर और जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू देखिएगा तो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है +0.34 वोल्ट और जो जिंक होता है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है -0.76 वोल्ट। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो कॉपर है इलेक्ट्रोड इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कि ग्रेटर देन है किससे, तो जिंक इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, क्योंकि जिंक के इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है निगेटिव है और कॉपर इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव है। तो कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है और जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है, इसके वजह से जो कॉपर इलेक्ट्रोड होगा वो कैथोड होगा और जिंक इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड होगा। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। हम लोग क्या देखें कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, जिसको हम लोग ECS से इंडिकेट करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोडों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। यहाँ पर सम इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। माइनस से हमने स्टार्ट किया है और ये प्लस में हमने अरेंज किया हुआ है। तो यह अरेंजमेंट जो कहेगा बोला जाएगा, इस अरेंजमेंट को ही हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। अब इसमें जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पर होने वाले रिएक्शन को यहाँ लिखे हुए हैं और जो है कैसे उसको हम लोग एज इलेक्ट्रोड हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिथियम इलेक्ट्रोड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन इलेक्ट्रोड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और सभी इलेक्ट्रोडों के हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को बाय एक्सपेरिमेंट यहाँ पर ऑब्टेंड करके और हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज कर दिया है। तो यहाँ पर जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होगा तो आप इससे बिल्कुल इजीली एनोड और कैथोड का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि कैथोड शुड बी प्लेस्ड बिलो एनोड। कैथोड
जब भी होगा तो एनोड के ब्लू होगा, मतलब नीचे होगा। कैथोड का वैल्यू हमेशा जो है, कैथोड शुड बी प्लेस्ड बिलो एनोड, मतलब कि एनोड से नीचे होगा कैथोड। यहाँ पर देखिए दैट इज कैथोड इज ग्रेटर देन एनोड, मतलब कि कैथोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू होगा एनोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के वैल्यू से ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है, जो भी ये मेन जो है हाइड्रोजन है जिसका वैल्यू जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का 0-0 होता है, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है 0-0 इसके अकॉर्डिंग, तो यह मान लिया गया है अकॉर्डिंग टू IUPAC। अब इसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रोड हैं सबके वैल्यू निगेटिव में है और इसके नीचे जो भी इलेक्ट्रोड हैं उसका वैल्यू जो है पॉजिटिव में है। तो अगर मान लीजिए कि कंपेयर करना है कि आयरन और कॉपर में कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा, तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि कैथोड शुड बी प्लेस्ड बिलो एनोड, मतलब कि जो नीचे वाला होगा वो कैथोड होगा, जो ऊपर वाला एनोड होगा। यहाँ पर यानी कि ये जो आयरन इलेक्ट्रोड होगा ये आपका एनोड होगा और जो कॉपर इलेक्ट्रोड होगा कैथोड होगा। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि क्यों होगा, क्योंकि कैथोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू होता है हमेशा एनोड से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है अगर ये एनोड लेते हैं तो इसका वैल्यू माइनस में है, और अगर इसको कैथोड लेते हैं इसका वैल्यू प्लस में है, मतलब इससे इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए ये क्या होगा आपका कैथोड होगा एनोड होगा। अगर मान लीजिए कि आपको ये दोनों में कंपेयर करना है कि कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, तो देखो कह रहे हैं यहाँ पर कि कैथोड शुड बी प्लेस्ड बिलो एनोड, मतलब कि जो नीचे होगा वो कैथोड होगा। तो जिंक और आयरन में आपका आयरन कैथोड होगा और जिंक क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड जो है एनोड होगा, क्योंकि जो कैथोड होगा वो बिलो होगा, मतलब नीचे वाला कैथोड होगा और ऊपर वाला एनोड होगा। अगर ये दोनों में कंपेयर करना है कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा, तो आपको जो है जो नीचे वाला होगा कैथोड होगा, मतलब कि ये जो होगा आपका कैथोड होगा और ये जो होगा आपका एनोड होगा। जो भी नीचे वाला होगा कैथोड शुड बी प्लेस्ड बिलो एनोड, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी देखिए कैथोड का वैल्यू ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का, किससे, तो एनोड से। तो यहाँ पर जो है कैथोड का वैल्यू ज़्यादा है, प्लस 0.80 वोल्ट है, तो इसलिए इसका वैल्यू ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो कॉपर के इलेक्ट्रोड से, क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू है प्लस में 0.34 वोल्ट है, तो ये वैल्यू कम है ये वैल्यू ज़्यादा है। तो जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो कैथोड होगा, या फिर जो नीचे होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो कैथोड होगा, जो ऊपर होगा एनोड होगा, या फिर जिसका वैल्यू कम होगा वो एनोड होगा। तो ये है, अब देखिए ये तो आप एनोड कैथोड बिल्कुल इजीली पहचान जाइएगा। एक चीज़ और होता है कि अगर आपको इस सीरीज में जानना है कि कौन सा मेटल लिथियम जिंक आयरन जो भी मेटल है इसमें से कौन जो है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इस तरह का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है। तो देखिए इसमें जो है जो लिथियम होगा इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का मान सबसे कम है, निगेटिव में वो भी सबसे कम, सभी सीरीज में जितने हैं सबसे कम है। तो ये जो होगा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये जो होगा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ही बेस पर ये भी जान लेंगे कि अगर मेटल में कंपेयर करना है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होगा, तो जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो होता है मोर रिएक्टिव मेटल होता है, मोर रिएक्टिव That is more reactive metal। अब जो है ये तो वैल्यू इसका रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के सबसे कम है, इसलिए ये जो होगा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा फिर क्या होगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ये जो हो जाएगा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ये जो फ्लोरीन है ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो ये हो गया बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये नॉन मेटल में, ये तो मेटल में ना मोर रिएक्टिव मेटल है, ये नॉन मेटल में मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। तो अगर आपको किसी मेटल में अगर
चूज करना है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, और जो जिसका रिड्यूसिंग जो कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो जो है लेस रिएक्टिव मेटल होगा। बट नॉन मेटल में इसका अपोजिट हो जाएगा कि जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वह मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होगा, और जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, जो कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वह जो है लेस रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम दिखा भी दिए हैं कि हम लोग किस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग डाउन द सीरीज जाते हैं तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो उसका जो है वैल्यू इंक्रीज करता है, मतलब कि वो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर हम लोगों को इस सीरीज को अगर देखें तो इसमें अगर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिर तो आपको देखिए जितना ही नीचे जाइएगा वो जितना ही जो नीचे रहेगा वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि उसको जो टेंडेंसी होती है रिड्यूस करने की ज़्यादा होती है। तो अगर पूछा जाए कि इसमें सीरीज में नीचे जाने पर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, तो वो बेस्ट होते चला जाएगा, और जो टेंडेंसी होगी रिड्यूस करने की वो भी जो है आपको बढ़ती चली जाएगी। और अगर हम सीरीज में नीचे से ऊपर अगर जाते हैं तो फिर आपको रिड्यूसिंग एजेंट वो बेस्ट होता चला जाएगा, और टेंडेंसी जो होगा टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी जो है बढ़ती चली जाएगी। तो इस पर का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। सपोज जैसे मान लीजिए कि आपको पूछा जाए कि जिंक और आयरन इलेक्ट्रोड में कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है नीचे की ओर जो है बेस्ट हो रहा है, नीचे की ओर उसका जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो नीचे वाला जो है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर पूछ दिया जाता कि किसका जो है टेंडेंसी रिड्यूस करने की ज़्यादा होगी, तो आपको नीचे जो होगा जिंक और आयरन में आयरन इलेक्ट्रोड की जो टेंडेंसी होगी रिड्यूस करने की ज़्यादा होगी, और आयरन जो होगा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। लेकिन अगर यही इसका अपोजिट पूछ दिया जाता है कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो फिर तो जिंक इलेक्ट्रोड और आयरन इलेक्ट्रोड में देखेंगे कि जो ऊपर होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि आपको क्या दिखा रहा है ऊपर की ओर जो है इनका ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का। तो हमारा जो है जिंक और आयरन इलेक्ट्रोड में जिंक जो है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों में पूछा जाता है कि टेंडेंसी किसकी ऑक्सीडाइज करने की ज़्यादा होगी जिंक और आयरन इलेक्ट्रोड में, तो फिर आपको ये भी ऊपर की ओर इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि आपको जिंक जो इलेक्ट्रोड है उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज करने की ज़्यादा होगी। तो हम लोग इस सीरीज में से इसके बेस पर और इसके बेस पर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचान सकते हैं कि कौन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन जो है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन किसकी जो टेंडेंसी होगी रिड्यूस करने की ज़्यादा होगी, किसकी जो टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज करने की ज़्यादा होगी या कम होगी, हम इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन को टेकअप कर सकते हैं। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।